हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूके चैनल। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक्स जीके को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको यदि इसकी वीडियो की PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो फ्रेंड्स, आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि आप मजबूरियों को मत कोसो कि मेरे पास पढ़ने का साधन नहीं है या फिर मेरे पास कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। तो मतलब आपको रीज़न नहीं देना, आपको हालात बदलने हैं और जो जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से आपको चलना होगा, तब आप जाके कुछ हासिल कर पाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में विश्व चागस रोग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 14 अप्रैल को विश्व चागस रोग दिवस मनाया गया और यह 2020 में पहली बार मनाया गया है। इस बार यह चागस रोग और यह WHO के द्वारा मनाया जाता है। इस चागस रोग की बात कर लें तो इस बीमारी को डॉक्टर कार्लोस चागस थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। क्या था, एक बार 1909 में ब्राज़ील में एक व्यक्ति को यह हो गया था चागस रोग, जो कीड़ों के द्वारा होता है और यह संक्रामक रोग है, व्यक्ति से व्यक्तियों में फैलता है यह रोग। इसमें क्या है, बुखार आ जाती है और सूजन आ जाती है पूरी बॉडी में इस चागस रोग में, और इसको WHO मनाता है। और यहाँ WHO की बात कर लेते हैं तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके अभी हेड हैं ट्रेडर्स एडहोमनॉम, और इसकी कंट्री हैं, इसमें अभी 194 कंट्री हैं इसके सदस्य के रूप में हैं। और इस बार WHO ने जो 2020 को है इसको ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स भी घोषित किया है इस साल को। और इस नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक देसाई। ये अशोक देसाई थे जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, तो इनका भी फिलहाल निधन हो गया है। ये 1996 से 1998 तक ये अटॉर्नी जनरल के पद में थे भारत के, और ये 1979 से और 1996 तक 1979 से 1996 तक ये सॉलिसिटर जनरल भी थे, सॉलिसिटर जनरल, और 1996 से 1998 तक अटॉर्नी जनरल थे। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल क्या है, ये इसका आर्टिकल में थोड़ा सा पॉलिटी देख लेते हैं। यहाँ इसका आर्टिकल 76 में उल्लेख मिलता है, और सॉलिसिटर जनरल, वैसे सॉलिसिटर जनरल का संविधान में इस नाम से कोई उल्लेख नहीं है, इसको एडवोकेट जनरल बोला जाता है। तो इसका उल्लेख मिलता है संविधान के 165वें अनुच्छेद में, ये सॉलिसिटर जनरल, ये अटॉर्नी जनरल। और इसको क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा एक वकील मान सकते हैं, इसका केंद्र सरकार का वकील होता है, ये राज्य सरकार का वकील होता है। और ये जो अटॉर्नी जनरल का पद है ये ब्रिटेन से लिया गया था, और ये भी ब्रिटेन से लिया गया था सॉलिसिटर जनरल। और इसके लिए जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट PM की सलाह से, यानी प्रधानमंत्री की सलाह से, और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल गवर्नर, और CM की नियुक्ति इसकी सलाह के उससे करता है। जो अशोक देसाई थे इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया रहा। नेक्स्ट, किस राज्य में COVID-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल आरंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो केरल में अभी COVID-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया है। अभी कुछ दिन मैंने बताया था पहले कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये इम्यून सिस्टम के बेस में काम करती है। जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित था और वो अब ठीक हो गया है, तो उसके प्लाज्मा को लेके रक्त में तीन चीज़ होती हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज़ होती हैं,
तो जो इम्यूनी सिस्टम इसका क्या है, मजबूत हो जाता है कोरोना वायरस से लड़ने के। जो व्यक्ति सही हो जाता है, जिसको कोरोना वायरस होता है, वो जब सही हो जाता है तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो इनको प्लाज्मा को निकाल कर जो व्यक्ति अब संक्रमित है उसके उसकी बॉडी में डाला जाता है। तो उसका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए इस प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है, जिसको अभी केरल सरकार ने ट्रायल किया। और इसको इसकी अनुमति किसने दी है, इसकी अनुमति दी है ICMR ने। तो ICMR ने इसकी अनुमति दी है। ICMR की बात करें तो ICMR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। ICMR पहले 1911 में IRFA के नाम से जाना जाता था। इसको 1949 में ICMR का नाम मिला। इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रोफेसर बलराम भार्गव, अभी इसके प्रोफेसर जनरल हैं। और एक चीज़ और देख लें, जो ये केरल की जो सरकार है प्लाज्मा थेरेपी, तो ये कौन कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट, तो ये कर रहा है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ये इसको ट्रायल करने के लिए अनुमति दी गई है ICMR के लिए। यहाँ केरल की बात आई तो केरल का देख लेते हैं। केरल के अभी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहीं पर है ये ट्रायल जिसमें हो रहा है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। फ्रेंड्स आपको बोलता हूँ, ये इनकी स्पीच सुनना एक बार, आपको लगेगा कि हाँ क्या बंदा है ये भी, समझे। इसकी स्पीच आप एक बार सुन सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत ही अच्छा वक्ता है ये। नेक्स्ट, किस शहर के एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर भारत के द्वारा एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई। इसमें क्या रहेगा, दूर से ही व्यक्ति को उसका टेम्परेचर और ताप में को आप नाप सकते हैं। इसमें जो कोरोना वायरस संक्रमित है उसमें भी निगरानी रख पाएंगे, और लोगों को बीमारी जो है डॉक्टर वो दूर से ही सूचित कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो इसका पहला ये शहर बन जाएगा ऋषिकेश, जहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा, इसकी भी अनुमति दी गई है ग्लास ब्रिज बनाने की ऋषिकेश पे। और यहाँ के अभी CM की बात करें, उत्तराखंड के CM की, तो CM है यहाँ के देवेंद्र सिंह रावत। देवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM है। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या है, बेबी रानी मौर्या यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फ्री डिलीवरी के लिए कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000 करोड़ रुपए अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए फ्री डिलीवरी के लिए इसमें हस्तांतरित किए गए हैं। यदि इसकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो यह शुरू हुई थी 1 मई को, 1 मई 2016 से, और ये हुई थी यूपी के बलिया ग्राम से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, किसने RBI को हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा अपनाने का सुझाव दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के CM हैं। तो इन्होंने अभी क्या है, RBI को हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ हेलीकॉप्टर मनी समझ लेते हैं क्या होती है। आप ये मत सोचिएगा कि हेलीकॉप्टर में पैसे भर के उड़ा दिए जाएंगे और जिसको जो जितने लोगों को मिलना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या रहता है, हर एक देश की एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। जब उसको कुछ ऐसी कंडीशन लगती है कि आर्थिक स्थिति में कुछ संकट है, तो लोगों को क्या है, ये फ्री में पैसे बांटती है, जिसमें लोग बाकी सामान खरीद सकें और इसकी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें। और इसके लिए सरकार को ये पैसे लुटाने नहीं, RBI को लुटाने नहीं रहते ये पैसे, ये पैसे सरकार भी खर्च कर सकती है कुछ ऐसी चीज़ें बना के जिससे रोजगार मिल सके। तो ये पैसे में सिर्फ इतना है कि सरकार को लौटाना नहीं रहता, इसी का इसका नाम हेलीकॉप्टर मनी रखा गया है। नेक्स्ट, किसने COLA VCAD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। तो इन सभी के द्वारा ये COLA VCAD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है।
इनके द्वारा। यदि यहाँ नवाचार मिशन की बात करें तो ये स्कूल व कॉलेजों को इन्वेंशन करने के लिए प्रेरित करने वाला एक मिशन है। और यहाँ पर नीति आयोग, तो नीति आयोग भारत सरकार की एक आयोग है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो अभी इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव सिंह, राजीव कुमार इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, अभी इसके सीईओ हैं। यहाँ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की बात करें यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अभी इसके अध्यक्ष हैं नीता वर्मा, इसके अध्यक्ष हैं नीता वर्मा जी। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में एनआईसी की। नेक्स्ट, हाल ही में एम के अर्जुनन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वह गायक थे, एक मलयालम गायक थे, तो इनका भी निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी, और यह पहली बार है कि जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों की जो चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी भारत करेगा। 2020 में यह पहली बार हो रहा है। 1980 में पुरुष जो चैंपियनशिप हुई थी मुक्केबाजी की, उसमें भारत ने की थी मेजबानी, और 2003 में की थी जब इसकी मुक्केबाजी महिला की, और ये हुई थी हरियाणा के हरसर में, और जो 1980 की हुई थी पुरुष वाली, ये हुई थी मुंबई में, नेक्स्ट, हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी सीईओ बन चुके हैं ये विरूपाक्ष मिश्रा जी। और देखें, अभी कुछ दिन पहले यूनियन बैंक में बहुत से बैंक का अभी विलय किया गया है, जिसमें यूनियन बैंक के भी बहुत 3 बैंकों में विलय किया गया है यूनियन बैंक में। तो उसको देख लेते हैं कौन से बैंक हैं। तो ये है यूनियन बैंक के साथ विलय किया गया है आंध्रा बैंक को और कॉरपोरेशन बैंक को। तो यूनियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 11 नवंबर 1919 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जिसके अभी वर्तमान पर सीईओ बन चुके हैं विरूपाक्ष मिश्रा जी। तो ये विलय कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2020 को इसमें बैंकों का विलय किया गया था, जिसमें आंध्रा बैंक है, तो आंध्रा बैंक की स्थापना हुई थी 20 नवंबर 1923 को, और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1906 को। अभी टोटल क्या है, 12 बैंक बस बचे हैं जो नेशनलाइज बैंक हैं, बाकी सबको मर्ज कर दिया गया है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, और अभी ये मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और मर्ज किया गया कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक के साथ, और यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, इनको भी मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर कर एक एक बैंक बनाया गया। तो जो अभी ये यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन है, ये अभी पांचवा सबसे बड़ा बैंक है, मर्ज कर दिया गया तो ये पांचवा सबसे बड़ा बैंक हो जाता है। नेक्स्ट, खबरों में चल रहे इफको के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलविंदर सिंह नैकई। तो ये बने हैं अभी इफको के चेयरमैन। फ्रेंड्स, अभी कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के नए नाम आ रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा। तो बलविंदर सिंह नैकई हैं जो इफके के चेयरमैन बने हैं। और बलराम भार्गव की बात करें तो ये आईसीएमआर के अध्यक्ष हैं, आईसीएमआर के। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ओपेक का हेडक्वार्टर है। तो अभी क्या है, ये चर्चा में चल रहा है जो ओपेक है, तो इसको देख लेते हैं जो इस चर्चा में होने का, क्यों चर्चा में है ये अभी। तो ओपेक का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रियां, और इसका हेडक्वार्टर वियना है, ऑस्ट्रिया का एक शहर है, जिसके अभी सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद
सेंसुई बार्किंडो थे, इसके अभी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल। तो ये चर्चा में इसलिए है, जो भी अभी ओपेक के जो कंट्रियां हैं, जिसमें जो कंट्रियां मिली हैं इसमें, और जो रूस ने, तो इसने क्या किया है, ऑयल उत्पादन में कमी कर दी है। जितना भी ऑयल कर रहे थे उसका उत्पादन, उसमें कमी लाई है, क्योंकि तेल की डिमांड में कमी आई है। तो ज़्यादा उत्पादन करने से तेल के रेट में कमी ना आए, इसी का इन्होंने तेल की कमी कर दी है। और ये कितनी कर दी है, 9.7 बिलियन बैरल, इतनी इन्होंने कमी कर दी है। नेक्स्ट, ऑडियो उपकरण बनाने वाली कंपनी JBL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारा अली खान, जो सैफ अली खान की बेटी हैं। तो इन्हें अभी JBL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और इनके साथ ही रणवीर सिंह को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यदि आपको किसी भी एक का ऑप्शन देखे तो आप आंसर लगा सकते हैं। तमन्ना भाटिया की बात करें तो इन्हें MPL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और विराट कोहली भी MPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किस नाम से स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये किया है सुरक्षा स्टोर। इसमें क्या है, 20,000 से ज़्यादा दुकानों को इसमें रजिस्टर किया जाएगा सुरक्षा स्टोर के रूप में। इसमें इसमें जो भी दुकानें होंगी फुल इसमें सैनिटाइज किया जाएगा, और जितने भी हैं जो आ रहे हैं व्यक्ति, उनके आने जाने का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये जितने जो अभी दुकान है, या उनको दिया जाएगा, या फिर कुछ नई दुकानें खोली जाएंगी इसके तहत। तो ये प्रॉपर रूप से सैनिटाइज होंगी समय समय पर, और व्यक्तियों का रिकॉर्ड भी रखेगी। तो इन दुकानों का नाम रखा गया है सुरक्षा स्टोर। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो अभी क्या है, कोरोना वायरस का एक केस आया था, अभी आपने पढ़ा होगा, नादिया करके जो एक शेरनी थी अमेरिका में नेशनल पार्क में, वहाँ पर उसको कोरोना वायरस हो गया था। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने अभी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वहाँ के सभी जानवरों को क्वारंटाइन करा गया है, मतलब सबको अलग अलग रूप से रखा गया है इस कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट, हाल ही में किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने अभी रिपोर्ट जारी की है, साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस रिपोर्ट, जिसमें क्या है, इसमें इनकी रेट दर कम करी गई है, जो भी अभी कोरोना वायरस के चलते हैं जिसमें आर्थिक मंदी आ सकती है। तो इसमें इस रिपोर्ट को बताया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी आएगी मालदीव, और फिर उसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसमें 8 कंट्रियों को लिस्टेड किया गया है, जिसमें से 4 आप अभी देख सकते हैं। तो ये मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेड क्वार्टर हो जाता है वॉशिंगटन DC में, जिसके अभी हेड है डेविड मालपास, और जो यूएसए से हैं, यूएस के हैं, और इसके मेंबर हैं 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के अभी। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। तो गृह मंत्रालय के द्वारा अभी कोरोना वायरस में जो व्यक्ति भारत से बाहर फंसे हैं, तो उनके वीजे की तारीख बढ़ा दी गई है, ताकि वो वहाँ सुरक्षित रह सकें। तो ये बढ़ा दी गई 30 अप्रैल। तो ये अभी लॉकडाउन सेकेंड राउंड चालू है, तो इसको देखते हुए शायद इसकी डेट फिर से बढ़ाई जा सकती है, 30 अप्रैल से ज़्यादा की जा सकती है। अभी जो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। और